हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्विनोलिन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्क्रैप सिंथेसिस और स्क्रैप सिंथेसिस के रिएक्शन पढ़ेंगे। क्विनोलिन क्या होता है? क्विनोलिन सिक्स मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड होता है, कोलतार में और बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। और अगर स्क्रैप सिंथेसिस की बात करें तो उसमें एनिलीन, ग्लिसरॉल और नाइट्रोबेंजीन जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन तीनों के मिक्सर को हीट करते हैं। एज ए कैटलिस्ट कंसेंट्रेटेड H2SO4 और FeSO4 को यूज़ करते हैं, तो उससे क्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। इसके मैकेनिज्म में देखो, ये ग्लिसरॉल है, इसके रिएक्शन कराते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेंट्रेटेड H2SO4 से तो एक्रोलिन बनता है। देखो 2H2 मॉलिक्यूल यहाँ से अलग अलग से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एनिलीन जो है उसकी रिएक्शन कराते हैं, जो इसमें ऑप्टेन हुआ एक्रोलिन से, तो जो एनोलिन पे जो नाइट्रोजन पे जो सिंगल नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो कार्बन पे चले जाएंगे। तो देखो ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा ये, ठीक है। तो उसके बाद ये कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जो कार्बन और जो कार्बन की भी डबल बॉन्ड है वो कार्बन नेक्स्ट कार्बन पे चल जाएगा, और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव मतलब लोन पेयर आएंगे तो इस पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ये OH यहाँ पे ग्रुप है, OH ग्रुप आ जाएगा। इसे मिशेल एडिशन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कीटो इनोल आइसोमेरिज्म होगा, जिसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ है वो CH के साथ आके अटैच हो जाएगा, और वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं बीटा फिनाइलेमीन प्रोपियोनियल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद देखो जो ये बना, इसके साथ जब एक प्रोटोन रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्सीजन पे जो लॉन्ग पेयर है इससे अटैच होकर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें से H2O यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल रिंग बनेगी एक। देखो यहाँ पे NH है, यहाँ पे CH2 का हाइड्रोजन है, CH2 का कार्बन है, यहाँ पे CH का कार्बन है, यहाँ पे C का कार्बन है, जिसपे OH और H अटैच है। उसके बाद ये रिंग से अटैच हो गया, ठीक है। उसके बाद इससे H2O स्क्रिप्ट मतलब H निकलेगा इससे बाहर, ठीक है। देखो देखो ये रिंग से जो H है यहाँ से निकला, तो H निकलते यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद ये H सारी स्ट्रक्चर ऐसी किसी, उसके बाद इसमें से H2O एलिमिनेट होगा। H2O देखो ये H और ये OH दोनों एक्सक्रीट एलिमिनेट होंगे, तो ये NH और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये C6 हमें एक डबल बॉन्ड और चाहिए अभी तो क्विनोलिन के स्ट्रक्चर के लिए, तो इसकी C6H5 NH2 से NO2 से रिएक्शन कराई, क्विनोलिन बना उसके साथ C6H5 NH2 बना और H2O बना, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म था स्क्रैप सिंथेसिस का। नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।